मलिक मजहर हुसैन पहाड़ ज़िले सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मैं दावत दूंगा शेख राशिद साहब को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हेल्थ मुजफ्फरगढ़ को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मियां अब्दुल गफ़ूर भट्टू साहब और दीगर दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, बातें तफसील से हो चुकी। इस्लामी लिहाज से मियां साहब ने तमाम तर रोशनी डाल दी और सियासी लिहाज से जनाब मोहतरम नवाबजादा मंसूर अहमद ख़ान साहब ने भी मुकम्मल तौर पे रोशनी डाली है मसाइल पे, और इसके साथ साथ ए बी मुजाहिद साहब ने भी मीडिया के लिहाज से भी गुफ्तगू फरमाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये पाकिस्तान किस लिए हासिल किया। ये पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम यहाँ आकर अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और हम अपनी इबादत और अपने मामलात आज़ादाना तौर पे सर अंजाम दे सकें। तो मेरे भाइयों, हम गुफ्तार जितनी मर्ज़ी कर लें, पर अब इस वक्त जो ज़रूरत है अब किरदार की है। हमें चाहिए कि हम हर शख्स पे बेजा तनकीद करते हैं या जो भी है, हमें हर शख्स को अब ये चाहिए कि वो अपने आप की दुरुस्तगी करे, वो अपने ज़मीर पे झांक के देखे अपने दिल की तरफ कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया और मैंने पाकिस्तान को क्या दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी दस बस्ता गुजारिश है कि इस कौमी यकजहती के साथ साथ हमें अपना ये किरदार बदलना होगा और हमें अपने मुल्क और कौम के लिए हर शख्स को किरदार अदा करना पड़ेगा। वो किरदार क्या है कि जब भी कोई कौमी इशू आता है, मिसाल के तौर पे हमारे हम इंतखाबात होते हैं, तो मेरे भाइयों के उस वक़्त हमें सही तौर पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मुझे मियां साहब जानते हैं, मुझे पार्टी ने ओबलाइज किया, लेकिन मेरी पार्टी की पॉलिसी गलत है। तो यकीन करना, हमें ये सोच करनी चाहिए, मैं अपनी पार्टी को छोड़कर जो मुल्क की कौम के फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसको उसका साथ देना चाहिए। इसी तरह जो मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी के हैं, वो ये सोच छोड़ दें कि उन्होंने मुझे कोई मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया या और दीगर मुझे मराद दी या सैलाब में मुझे इतना फंड दिया या नहीं। जब ये कौमी अहमियत का तकाजा आए, जब ये वक्त आए, तो यकीन करना वो सब कुछ छोड़कर ये सोचे कि जो मेरे अल्लाह और रसूल ने फरमाया है, जो मेरे मुल्क का तकाजा है, जो मेरी कौम चाहती है, मुझे वो किरदार अदा करना चाहिए जब ये तब्दीली आएगी। ना कि हम जितनी बड़ी लंबी तकरीर कर लें, बहुत पढ़े लिखे अंदाज में बात करें, पीछे से लेकर आए, आगे से बताएं, सब कुछ है। नहीं मेरे भाई, हालात नहीं बदलेंगे जब हर शख्स अपने आप में तब्दीली नहीं लाएगा, जब हर शख्स अपने मुल्क के लिए किरदार अदा नहीं करेगा। अब हमारा ये एक वतीरा बन गया है कि लंबी लंबी तकरीरें कर लंबे लंबे अपने मसाइल बयान करते हैं, लेकिन जब अपनी ज़ात का वक्त आता है, फिर वो पसे पुरुष डालकर वही हम करेंगे जो हमें ज़ाती मुफाद होगा। हम वो देखेंगे किस पार्टी से मुझे ज़ाती मुफाद किया है, किस शख्स से मुझे ज़ाती मुफाद है, फिर छोड़ देंगे, फिर हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, जो मुझे मेरी ज़ात का मुफाद होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आर्मी चीफ ने ये कह दिया या आर्मी किसी अहदेदार ने कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम ड्रोन हमले जो भी होते हैं हम गिराने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें क्यों नहीं इजाज़त दी जाती? आप आर्मी को खुला छोड़ दें, उन्हें कहें कि ये तुम्हारा काम है सरहदों की हिफाजत करना, हम आपकी पॉलिसी मैटर में नहीं आएंगे, आपकी ड्यूटी है, आप ये सर अंजाम दें और हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए, और अगर शिकायत आती है फिर बेशक उनका मुहासबा करें। इसी तरह दीगर मामलात में, पॉलिसीज़ में भी उन्हें, मतलब एक मेरा दोस्त, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ISI का बड़ा अहम जिम्मेदार आदमी से जो ऑफिसर था, मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा ये बताएं कि पहले आपके जो मामलात थे वो पाकिस्तान में हमारी एजेंसी बड़ी अहम खिदमात थी और बड़े अच्छे नामों से, अब क्या वजह है कि जो उनसे ये आपकी क्या हो गया आप लोगों को? उन्होंने कहा शेख साहब
बात यह है असल में कि जो कदम भी हम उठाते हैं हमारे हर इकदाम में इंटरफेयर होती है सियासी। जिस वक्त भी हम अपना कोई चेस करते हैं, अपने कोई भी इसको जो हमें टास्क दिया जाता है, जैसे ही हमें करता है ऊपर से फ़ोनों की कॉलें शुरू हो जाती हैं कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तो मेरे भाई, हमने भी वो मेहनत करना छोड़ दी है। जितनी मेहनत हम जान पे खेल के करते हैं उसके बाद वही मतलब उसे ऐसे फ़ोन आते हैं, ऐसे हमें जिच कर दिया जाता है कि आप इसको ख़त्म कर दें, आप इसे छोड़ दें, तो हमें क्या, फिर क्या ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, यही वजह है कि असल हर शख्स अपने दिल पे हाथ रखे, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कर जानकर कि कौन से लोग सही हैं, किन लोगों को हमने साथ देना चाहिए। इसलिए इसी वक्त की ज़रूरत है और हम साथ मतलब मैं बड़े शुक्र गुज़ार हूँ कि रायल न्यूज़ का कि उन्होंने ये एक प्रोग्राम इनकाद किया और अपनी दिल और दिमाग की मतलब सोच और बातें करने का हमें मौका फराहम किया। तो ये अल्लाह ताला इन्हें जजाय खैर दे, ये एक मुल्क को कौम की बहुत बड़ी खिदमत है और अल्लाह ताला इन्हें इन मिशन पे कामयाब फरमाए। मैं इनके लिए खसूसी तौर पे दुआ करूँ। तो इसी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसी बात को ख़त्म करते हुए तो मैं ये बात कहूँगा आखिर में कि हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अल्लाह ताला और उसके रसूल के मुताबिक अमली तौर पर बनाना चाहिए और दिन रात का मुहासबा करें कि आया कि हम दिन और रात में हमारे क्या अमल है, क्या हमें करना चाहिए। रात को सोच को रात को जब सोते वक्त सोचें कि आज मैंने दिन में क्या बुरे अमल किया है, क्या अच्छा अमल किया, और नेक्स्ट डे मुझे मुल्क और कौम के लिए, दीन के लिए क्या एक लाए अमल तैयार करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो शेख राशिद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हेल्थ मुजफ्फरगढ़। इसके साथ ही मैं दावत दूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा उम्मे कुलसूम साइको मुजफ्फरगढ़ से कि वो आए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब नवाबजादा मंसूर अहमद खान साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल गफूर साहब, मेरे सारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो रॉयल चैनल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगी कि ये वो वक्त था जिस वक्त में इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और मैं बात शुरू करूंगी, मुझे ये भी कहा गया कि मुख्तसर, लेकिन मैं बात शुरू करूंगी अब्दुल गफूर साहब की बात से। मैं उस वक्त यहाँ मौजूद थी जब उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने फरमाया था कि उनकी किसी हिंदुस्तानी किसी प्रेस वाले से बात हुई तो उसने कहा कि हिंदुस्तान तब टूटेगा जब पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस वक्त जो सिनेरियो हमारे पाकिस्तान का जा रहा है वो आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं चंद तजावीज़ के साथ अपनी बात करूंगी कि हमें, मैंने पहले बाहर भी अपने एक भाई से बात की है कि ये जो प्रोग्राम है इसको सिर्फ, उन्होंने बताया कि ज़िला टू ज़िला हम लोग जा रहे हैं और इस काविश को आगे लेके जा रहे हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ी काविश है और इस वक्त इसको करने की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है जब हम महंगाई तले दबे हुए हैं, जब दहशतगर्दी का जोर है और जब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पर खड़ा है जहां पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम को सिर्फ इस हाल तक महदूद न कीजिएगा। इस प्रोग्राम को ले कर जाने की ज़रूरत है हमें हर तहसील लेवल पर, इस प्रोग्राम को ले कर जाने की ज़रूरत है हमें हर यूनियन काउंसिल लेवल पर और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए के पास लेकर जाने की ज़रूरत है जो नौजवान हम ये समझते हैं कि हमारा सरमाया है और आने वाले दौर में वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस, ये मेरी बहुत सजेशन होगी अपने इन रॉयल चैनल्स न्यूज़ वालों के साथ। बाकी ये है कि हम आप जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी बातें यहाँ पर होती हैं, नो डाउट ये मीडिया पर भी बातें चलने वाली हैं और चलेंगी, ये एक सदका जारिया की तरह महसूस करते हुए हम इन बातों को आगे तक पहुंचाएं ताकि जहां जहां तक हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं, हमारा लोगों के साथ रहता है, हमारा ये जो मैसेज है उन लोगों तक भी पहुंचे। बज़ाहिर हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं महंगाई से और हालात से, लेकिन क्या वजूहात है कि हम सब इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, हम सब इकट्ठे होकर सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे और इनके खिलाफ क्यों नहीं एहतजाज कर रहे कि जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है या जो ड्रोन हमलों के हवाले से हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें हमें देखने की ज़रूरत होगी
और मैं आखिर में आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इस फोरम को यहाँ पर किया। आपके साथ ही एक वुमेन असेंबली हो रही है साथ वाले हॉल में, और इंशाल्लाह इसके चंद पॉइंट्स मैं उस वुमेन असेंबली में अपनी उन बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ख़वातीन भी उतनी ही इसमें शरीक हैं जितने के हमारे मर्द हजरात हैं। आप लोगों का शुक्रिया, और मैं ये चाहूँगी कि हमारे चेयरमैन साहब रॉयल चैनल के जो यहाँ मौजूद हैं, इस मेरी सजेशन को लेकर आगे ज़रूर चलिए कि आप लोग इस मैसेज को जितना ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और हम जहां तक हो सकेगा अपने इस मकसद के लिए, बिकॉज दिस इज़ नेशनल काज, ये हमारा आपका अकेले का मसला नहीं है, ये हमारी कौम का मसला है, हमारे पाकिस्तान का मसला है, तो हम सब मिलके चलेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। मोहतरमा उम्मे कुलसूम साहिबा के बाद में दावत दूंगा मियां फियाज हुसैन फियाज एडवोकेट, जो वो डाइस पर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान रॉयल चैनल मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब, नवाबजादा मंसूर खान साहब, मियां साजिद नईम साहब, और मज़हर पहोड़ साहब, राशिद शेख साहब, और तमाम मीडिया के दोस्त, और बाकी वकला साहिबान, बाकी दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुक्रगुजार हैं रॉयल चैनल के और मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब के जिन्होंने कौमी यकजहती के लिए इस किस्म के सेमिनार मुनक्कद करने के लिए और एक बेड़ा उठाया है। और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान के चारों सरहदों पर पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती के लिए लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम तमाम पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि आज हम इकट्ठे मिलजुल कर बैठ के सोचें कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान में रहने वाले लोग, ख़वातीन मर्द जितने भी हैं, वो अब कैसे इन लोगों से जान छुड़ाएं। मैं मुख्तसरन ये मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब और रॉयल चैनल के तमाम दोस्तों से और मीडिया से ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान बनाने में अवाम ने जितना साथ दिया, तो उसको पाकिस्तान की जंग लड़ने में और पाकिस्तान को अलहदा करने में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक एडवोकेट थे और उन्होंने ये मुल्क हासिल किया और पाकिस्तान की ताकत, अवाम की ताकत बनाकर दिखाया और पाकिस्तान आज़ाद कराया। तो हम वोकला साहबान, मैं बहसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग लेयर्स विंग्स, ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी ये बात ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के वोकला साहबान, बल्कि खैबर से लेकर कराची तक के तमाम वोकला साहबान ये पैगाम देना चाहते हैं कि रॉयल चैनल वालों, मेरा ये पैगाम आप अस्करी क़यादत तक और ईवान इक्तदार में बैठे हुए लोगों तक ये पहुंचा दें कि जब भी पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया तो वोकला साहबान ने आगे बढ़कर साथ दिया। आज भी जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं ये दावे से कहना चाहता हूं कि ऐ पाकिस्तानी कौम, ये पाकिस्तान हमारा घर है, और आप निकलें और पाकिस्तान के तमाम वोकला साहबान आपके आगे हरावल दस्ते का काम देंगे। और जहां भी, क्योंकि ये घर बनाने में हमारे लीडर, हमारे कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया, ये घर हमें दिया, आज हमें बहुत दुख होता है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि आज का पाकिस्तानी, आज कि पाकिस्तान में रहने वाले सियासतदान और आज पाकिस्तान में आगे जाकर बातें लफाजी पर कहने वाले लोग, क्या ये नहीं सोच सकते कि हमने अपने घर को कैसे बचाना है। सिर्फ ये रॉयल चैनल वालों की ड्यूटी नहीं है, हम उनके मशहूर हैं कि वो ये हमें पैगाम दे रहे हैं। तो आज मेरी यही गुजारिश है कि तमाम पाकिस्तानी एक हो जाएं और एक मिल्लत और बहसियत मुसलमान कौम मिलजुल कर ये डिसीजन करें
कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे। हमने अपने घर को हर सूरत बचाना है और हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी बहनों के लिए इस पाकिस्तान को महफूज बनाकर रहना है। और यही बात मैं गुजारिश करूंगा और अब इख्तिताम पजीर होता हूं कि यही पैगाम हर दोस्त तमाम दोस्तों तक पहुंचाए और आप हिम्मत पकड़ें और पाकिस्तान को बचाने के लिए कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और आवाम को आप मुतहद करें और इन दुश्मनों से निजात लेने के लिए मुतहद होकर काम करें। थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स। ये थे मियाँ फियाज हुसैन फियाज, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। अब मैं दावत देना चाहूँगा मेंबर तहसील कौंसिल चेयरमैन पीपल्स कौंसिल मिस हुमा नवाब को। सबसे पहले तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अमजद वाजिद ने बताया, हुमा नवाब मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मेंबर भी रही हूँ और उसके अलावा मेरा ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से भी है और मैं ज़िला ही जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ। तो यहाँ पर इस कौमी यकजहती के हवाले से मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे सब लोगों ने बात की लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ से उठ के भी जाना पड़ा और हसरत रही मैं तमाम भाइयों की बातें सुन लेती कि इन्होंने कौमी यकजहती की। अब मैं सबसे, मेरा ये सवाल है कि कौमी यकजहती है क्या या हम लोग उस पर जो बातें करते हैं ये सिर्फ फोरम की हद तक होती हैं। और मैं समझती हूँ कि कौमी यकजहती में सबसे बड़ा किरदार जो है वो औरतों का भी है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब ने बात की होगी औरतों की कोशिशों को। अगर कायदे आज़म की जहाँ बात हुई वहाँ पे मोहतरमा फातिमा जिना का नाम भी होना चाहिए था, उनका भी भरपूर किरदार रहा है और वो भी कायदे आज़म के शाना बशाना उन्होंने मिल के काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग जो है ख़वातीन का किरदार कहीं भी किसी भी इदारे में है उसको भी ज़रूर अपने साथ शामिल किया करें और इस उसमें जो है बात जब करते हैं तो उसमें ये ज़रूर वो कहा करें कि ये जो ख़वातीन हैं मुजफ्फरगढ़ में भी काफ़ी अच्छी ख़वातीन हैं जो काम करती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर भी वही है कि चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दो चार लोगों को ही लेके आगे चलते हैं, बाकी और लोगों की कोशिशों को जो है वो पीछे रख दिया जाता है। और इस कौमी यकजहती के मौके पर मैं सबसे ज़्यादा न्यूज़ रॉयल जो है चैनल, इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे मौका मिला यहाँ पे बात करने का। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कौमी यकजहती अगर अब नहीं रहती तो हमारा पाकिस्तान नहीं रहता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें ये नहीं देखना कि मैं औरत हूँ और मैंने मर्द के शाना बशाना काम नहीं कर रहा। मर्द आगे चलेगा तो उसके पीछे में हमें चार से ज़्यादा जो है वो औरतें होंगी, एक मर्द होगा तो उसके बैक पे चार लोग होंगे, चार ख़वातीन होंगी। तो इसलिए जो है मैं यही वो कहती हूँ कि अगर कल को मुजफ्फरगढ़ पे, पाकिस्तान पे, मुजफ्फरगढ़ हमारा ज़िला है इसलिए मैं उसकी ज़्यादा बात करूँगी कि कभी कोई ऐसा वक्त आए कि जहाँ पर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि मर्दों ने अपना खून पेश किया, वो कहते हैं औरतों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो हमारे मुजफ्फरगढ़ की ख़वातीन भी जो हैं वो भी शाना बशाना रहेंगी और हर मौके पे अपना खून बहाने से या कहीं भी उस हवाले से जो है वो पीछे नहीं रहेंगी। और सियासी पार्टियों के हवाले से बात मैं ये करूँगी कि हमारी आज इस तवसत से मैं जो है थोड़ा सा अपने जो हैं हमारे कायदीन उनको ये सुनवा दूँ कि औरतों की कोशिशों को क्यों रद्द कर दिया जाता है। अगर सियासी पार्टियों को ज़िंदा रखने वाली औरतें अगर घरों से वोटर्स को नहीं निकाल के लाती तो आप लोग कहाँ से कामयाब होते हो, कहाँ आवानों में बैठ के आप लोग बातें करते हो? कभी आप लोगों ने वहाँ बैठ के ये बात की है कि फलां इलाके में, फलां ज़िला में, फलां उसमें इस औरत ने हमारे लिए इतनी कोशिश की और उसने जो है हमें वहाँ पर किसी, चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पर भी है, कामयाबी दिलवाई, लेकिन नहीं, उसका सेहरा हमेशा मर्दों के सर जाता है। कोई कमेटी बनती है वहाँ पे ऐसा मेंबर ख़वातीन को लिया जाता है, चेयरमैन जो है वहाँ पे मर्द बैठे, क्या औरत वहाँ पे चेयरमैन की सीट पे नहीं बैठ सकती? किसी उसमें लिखा हुआ है? यहाँ पर अब सब लोग, मैंने जब ये बात की, मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी आपको, लेकिन मेरा, मुझे कोई ऐसा फोरम मिले तो मैं जो है वो रुकती नहीं हूँ, बात ज़रूर कर देती। इसलिए फिर दोबारा आप लोगों से यही मेरी जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग किसी भी उसमें वो काम करें, औरत के बगैर आप लोग काम कर नहीं सकते, इसलिए कोशिश किया करें कि उनको भी वही मकाम दें जो आप अपने लिए सोचते हैं। फोरम की हद तक बात ना किया करें कि हम जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन सियासी पार्टियाँ जो हैं औरतों को उस वक्त घरों से निकालती हैं, औरतों को उस वक्त वो मौका देती हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, और पार्टियाँ बनती हमेशा जो है
वर्कर्स के सर पे हैं। पहले तो कौम बने, मैंने ये महसूस किया अपनी जिंदगी के अंदर कि हम बहैसियत कौम इकट्ठे नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है। हम सबसे पहले अपने अंदर अपनी इसलाह करें कि हम एक हो जाएं। जब हम एक हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी बैरूनी दुनिया या बैरूनी लोगों से मिलने मुकाबला करने की पोजीशन में आएंगे। अभी तो हम अगर किसी एक इशू पर इकट्ठे नहीं हो सकते तो बाहर किसी दूसरे ममालिक से किसी इशूज पर कैसे अपनी फाइट कर सकते हैं। हम तो यही कोर अभी तक तो हम अपनी सियासी जमातों और अपने सियासी मसलियतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर थोड़ा थोड़ा कोई मसला आ जाए, अपनी किसी जमात की खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकते, जब हम लोग यही कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी इश्यूज पर कैसे इकट्ठे होंगे। मैं तो सबसे पहले मदर पोर्ट साहब वाली बात को करूंगा कि भी पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बनकर अपने आप को पहले एक करें, एक करने के बाद हम किसी से फाइट करने के काबिल होंगे। हम तो अपनी प्लेटफार्म पर अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म पर अगर हमें कहीं पर स्ट्राइक की कॉल दी जाती है, हमें कुछ कहा जाता है कि भाई हमने ये कुछ करना है, लेकिन हम उसमें सबसे पहले अपने इश्यूज का ख्याल रखते हैं कि भाई अगर हमने किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जैसे कि आजकल वापडा के आप राय दिन अखबार में और टीवी में देख रहे हैं कि वापडा के दफातर जला दिए जाते हैं या वापडा के दफ्तर का घिराव किया जाता है, अगर वो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं। हम ठीक है प्रोटेस्ट करें, हमारा हक है प्रोटेस्ट करना हुकूमत के खिलाफ या जो लोग उन इदारों के गलत काम कर रहे हैं, हमारा हक है, हमें करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए ये जो कुछ हम कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क का इज्जत, अपने मुल्क की अमलाक, अगर हम मुल्क के अगर एक ट्रांसफार्मर को, एक गाड़ी को, एक दफ्तर को आग लगाते हैं तो वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हम खुदारा एक सोच पैदा करें कि ये सब कुछ मुल्क हमारा है, इस मुल्क से ही हम लोग हैं, इस मुल्क से ही हमारी इज्जत है। हम लोग अपनी सोच को तब्दील करें। कौमी यकजहती का मकसद भी यही है कि हम सब पहले एक कौम बने, एक कौम होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हर कदम पर कामयाबी से हमकिनार करेगा। मुख्तसर सी मेरी ये गुजारिश थी कि हम सब एक बने इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख आमिर सदर अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़, इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब एडवोकेट मुजफ्फरगढ़। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपना नाम की तस्दीक करना चाहता हूँ कि जो जनाब ने फरमाया, मेरा नाम सैयद हसन जमील गिलानी एडवोकेट है, कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है। इसमें ये सोचने वाली बात है कि हमने किसी पर, हकूमत पर या गैर हकूमती इदारों पर तनकीद के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये इस सोच विचार के लिए जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने ये अहतमाम किया है कि इसके हम एक कौम के हिसाब से कैसे इकट्ठे हों और इस पर कैसे अमल पैरा हों। गुफ्तगू तो सब ने की है, जिस तरह साजिद नईम कुरैशी साहब ने फरमाया कि हमारे पास एक ज़ाब्ता हयात है जो कुरान मजीद की शक्ल में है, हमने दरअसल उसको छोड़ दिया है। उसमें ही हल बता दिया गया है कि हम किस तरह इकट्ठे होंगे। व तासमू बिहबलिल्लाह जमीयुम वला तफर्रकू, के हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और फ़िरकों में न बटें। ये कुरान मजीद ने हल बताया है कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब तक नहीं पकड़ेंगे, हम इसी तरह मुआशी, मुआशरती और मुख्तलिफ फ़िरका वराना मसाइल का शिकार रहेंगे। अरे दोस्तों, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और अलामा इकबाल ने इसी ज़ुमरे में कहा, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये हमें हमारी सोच होनी चाहिए। हम अपने गरेबानों में झांकें कि हम अंदर क्या हैं और बाहर क्या हैं। सब गुफ्तार के गाजी तो बन जाते हैं, लेकिन अमली किरदार को अपनाना चाहिए। हमारे अमल कैसे हैं, हमारे गुफ्तगू का क्या वो भी साथ देते हैं कि नहीं देते। इसी तरह हम जब तक फ़िज़ाए बदर पैदा नहीं करेंगे, इसी तरह हम जलील व ख्वार होंगे और अगयार के आगे घुटने टेकते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बला। इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब एडवोकेट मुजफ्फरगढ़। अब मैं दावा देना चाहूँगा चौधरी तारिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ग्रैब कौमी यकजहती के हवाले से अपनी आरा से हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल चैनल का, जिन्होंने बहुत अहम मौजू पे आज के इस फोरम का इनाकाद किया है।
मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तानी और मुल्की तरक्की की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है ये इंतहाई बुनियादी अहमियत का हामिल है और हमें इसी को लेके चलना होगा। और जब हम इसको मशले राह बनाएंगे तो यकीनन हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद रखने की तरह मूव कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा कि कौमी यकजहती पे काम करते हुए हमें ये देखना है कि हम बीइंग अ पाकिस्तान, पाकिस्तानियत को कितना कबूल कर रहे हैं, हम बतौर पाकिस्तानी अपनी पहचान कितनी करवाते हैं। आज हम पाकिस्तानी से पहले सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और जो भी हम हैं वो क्यों हैं, और जो हमारे यहाँ लेजिस्लेटर्स हैं या जो हमारी हुकूमतें हैं वो इस काम पे कितनी तवज्जो दे रही हैं। मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि ख्वातीन को कितना एक्नॉलेज किया जाता है, उन्होंने सियासी पार्टियों की बात की है, सूबाइयत की हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। आज भी सिंध में आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो सिंधी में लिखा जाता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के जो ऑफिस का बोर्ड है वो भी सिंधी में लगा हुआ है, यही सूरत हाल बाकी सूबों में है। तो इसके लिए मैं रॉयल चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे इस वसातत से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तानी बनाना है, हमें पंजाबियत, सराइकियत, सिंधी जो भी हम अलहदा अलहदा अपनी अपनी पॉकेट्स में हैं उससे निकल के हमें पाकिस्तानी बनना है, और फिर हमें ये सोचना है कि हम बतौर पाकिस्तानी कैसे काम कर सकते हैं। और ये फोरम्स हमें अपने लेजिस्लेटर्स तक लेके जाने चाहिए, सियासी पार्टियों तक लेके जाने चाहिए कि हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत की जो सूरत हाल है वही यकजहती की सूरत हाल है, वही हम कौमी यकजहती उनके अंदर देखते हैं कि सियासी पार्टी के जो बानी या जो उसके चेयरपर्सन या चेयरमैन हैं उनके बाद उनका बेटा ही उस पार्टी का चेयरमैन क्यों बनता है। उस पार्टी ने इतने साल पूरे पाकिस्तान में अगर काम किया है तो सेकंड लाइन लीडरशिप कहाँ थी। इसी तरह बाकी भी सारे फोरम्स को हमें देखना है कि अगर हम कौमी यकजहती की बात करते हैं तो हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को मुत्तहिद करना है, और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की की बात करनी है, ना उस वक्त हमें अपनी सियासी पार्टी को बचाने की बात करनी है, ना उस वक्त हमें अपने सूबे की बात करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि सूबों की बका बहुत ज़रूरी है, अगर हम सूबों के साथ ज़्यादती करते हैं वफाक में बैठ के तो उसको भी हमें ठीक करना है, लेकिन वो भी उस वक्त ठीक होगा जब हम ये देखेंगे कि मैं पंजाब में रहने वाला वज़ीर आज़म हूँ लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान के सूबों का वज़ीर आज़म हूँ, तो फिर जाके हम मुल्क की तरक्की की बात कर सकेंगे। और मेरी दरख्वास्त होगी रॉयल चैनल से कि वो पॉलिसी लेवल पर इसको ज़रूर लेके जाएँ, ग्रास रूट लेवल पर भी लेके जाएँ, अवाम की राय भी लें, ताकि ये जो एक खूबसूरत और नेक काम इन्होंने शुरू किया है ये बिलाखर कौमी यकजहती की वजह बन सके। बहुत शुक्रिया। चौधरी तारिक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ग्रैब को अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, मैं दावा देना चाहूँगा राणा मोहम्मद अफजल, नायब अमीर जमात इस्लामी मुजफ्फरगढ़ से। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब, चेयरमैन रॉयल न्यूज़ चैनल, मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी कम्युनिटी से वाबस्ता मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हम सब जनाबे मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब के इंतहाई मशकूर व ममनून हैं कि कौमी यकजहती के हवाले से जो हालात और वक़्त की अशद ज़रूरत थी हम सबको चौकन्ना और बेदार किया और अपना अपना मस्बत किरदार अदा करने का मौका और लाहे अमल तश्कील देने के लिए सोए हुओं को जगा दिया। हजरात, ये 21वीं सदी की मदर ऑफ वार्स, जो जंगों की माँ है, जिसका मैदान जनूबी एशिया और बिलखसूस अब पाकिस्तान बन चुका है, इसके फरीकैन को, इसके मकासिद और अजायम को और इस जंग की वसत
और हमा पहलू और हमा जहती यलगार को समझना और जानना जरूरी है। अमरीकी न्यूकांस जिन्होंने एक खुद साख्ता 9/11 के वाक़े को जवास और बहाना बनाकर इस जंग का आगाज किया है, असलन इस जंग को वो लड़ना इसलिए चाहते हैं कि इनके एजेंडे में ये बात शामिल है ग्रेटर इसराइल का कयाम और फिर उसके मुस्तकबिल को तहफ्फुज देना, जो कि यहूदियों की खाम ख्याली है। इस जंग के अजायम और अहदाफ में ये बात शामिल है कि आलम इस्लाम के वसाइल को, इसके गैस तेल सोने तांबे के जखायर को, इनकी लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अपनी गिरफ्त और चुंगल में लाया जाए, जिसमें एक बड़ा हदफ गवादर की पोर्ट है, इंडस हाईवे है। इस जंग के अजायम में ये बात शामिल है कि ये जंग कामयाब हो नहीं सकती जब तक कि इसके रास्ते में ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह रखने वाली पाकिस्तान की फौज एटमी कुव्वत से मुसल्ला और आरास्ता है। मेरे भाइयों, इस जंग का एक बड़ा फरीक हिंदुस्तान है, जिसके अजायम में ये शामिल है कश्मीरियों को आज़ादी ना मिले और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले सारे दरियाओं को डेम्स बनाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक किया जाए। हिंदुस्तान के अजायम में ये शामिल है कि अफगानिस्तान से आने वाले दरियाओं को भी रोक कर उनके ऊपर डेम्स बनाए जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान के दरियाओं पर जो हिंदुस्तान से आके और कश्मीर से आके पाकिस्तान को सैराब करते हैं, 60 से ज़्यादा डैम बन चुके। और आप हिंदुस्तान आगे बढ़कर अफगानिस्तान के अंदर 13 बड़े डैम तामीर कर रहा है। इस जंग के अजायम में और आदाफ में ये शामिल है कि चूंकि चीन एक उभरती हुई मुआशी कुव्वत है, जो अमेरिका और यहूदियों की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को पूरे वर्ल्ड के अंदर नाकों चने चबवा चुकी है, उसका घेरा तंग करने के लिए जनूबी एशिया की थानेदारी हिंदुस्तान को सौंपी जाए, तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये अफगानिस्तान तो सिर्फ एक ठिकाना था, असल में पाकिस्तान इसका निशाना है और पाकिस्तान इसका टारगेट है। और ये जंग, इसका फर्द भी टारगेट है, इसकी अक्वाम भी टारगेट हैं। और ये फर्द को रूहानी तौर पे बर्बाद करना, यानी मुसलमानों के नज़रियात को इस तरह से बनाना कि इस्लामी अकीदे से वो दूर हो जाएं, एक फर्द को अकल और आसाब के लिहाज से तोड़ना। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि ये गुर्बत, ये महंगाई, ये बेरोजगारी एक साजिश के तहत बिलखसूस पाकिस्तान और आलम इस्लाम के नौजवानों पे मुसल्लत करना, ताकि आसाबी तौर पर, जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर ये मफलूज होकर रह जाएं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये जंग मसलहतों के मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, ये जंग बुस्तली के मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, और ये जंग आपस में पर्सनैलिटी और क्लैश और इंतकाम लेने के नतीजे में नहीं लड़ी जाएगी। और मुझे ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो अपने मौकफ में ठीक है कि एक तरफ पाकिस्तान की ISI और फौज है, एक तरफ नवाज शरीफ और सदर जरदारी हैं। इनका माजी के अंदर जो क्लैश, इनका माजी के अंदर जो तसादुम रहा, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नवाज शरीफ भी समझता है कि ISI ने मुझे इंतकाम का निशाना बनाया, जरदारी भी समझता है कि मुझे और भुट्टो खानदान को पाकिस्तान की फौज और ISI ने इंतकाम का निशाना बनाया। और आज ये खूबसूरत मौका है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फौज जिस चुंगल में फंस चुकी है, इनको अमरीकियों से इतना पिटवा दो कि फिर पाकिस्तान में कभी दोबारा ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके। और ये जो आपस का क्लैश, ये जो पर्सनैलिटी की जंग है, ये पाकिस्तान की जिल्लत और पाकिस्तान की पस्ती और पाकिस्तान की गुलामी का सबब बन रही है। खुदारा ये हकायक हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI का किरदार वो नहीं रहा कि जो होना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदानों का किरदार वो नहीं रहा कि जो होना चाहिए। लेकिन आज तो हम सबको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए, अपने जाती मकासिद को
एक तरफ रखकर कौमी मफादात को, कौमी मकासिद को सामने रखते हुए एक दूसरे को माफ करके हमें यकजान होकर दिफाए पाकिस्तान की और तहफ्फुज़ पाकिस्तान की जंग लड़नी चाहिए। ये जंग हम लड़ सकते हैं, ये कौम शेरों की कौम है, इससे पहले बड़ी जंग हम लड़ चुके। दुनिया कहती थी कि रूस व्हाइट एलिफेंट है, जहां जाता है वापस नहीं आता, लेकिन इस भूखी कौम ने, पेट पे पत्थर बांधने वाली कौम ने उस व्हाइट एलिफेंट को अफगानिस्तान के पहाड़ों में जब तहस नहस करने का फैसला किया, तो आज दुनिया के नक्शे पे रूस नहीं है। इसलिए ये पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फौज को ये यकीन दिलाती है, आईएसआई को ये यकीन दिलाती है कि अपने घर के झेड़े अपने घर में निपटाएंगे, लेकिन दुश्मन के खिलाफ हम सीसा पिलाई हुई दीवार है, आगे बढ़िए। अगर कश्मीर के 10,000 मुजाहिदीन 8 लाख हिंदुस्तान की फौज को यरगमाल बना सकते हैं, तो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ नौजवान जो ईमान, तक्वा और जिहाद फी सबीलिल्लाह के जज्बे से रास्ता पे रास्ता है, फौज इन पे तवक्कल करे, इन पे भरोसा करे, अल्लाह पे ईमान रखने वाले अपने आप पे एतमाद करे और मैदान जिहाद में आगे बढ़े। जिहाद को, मुजाहिदीन को मातून करने वालों, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की सालमियत की जंग, दिफा और सालमियत की जंग जो है, ये जज्बे जिहाद से लड़ी जाएगी। ये मुजाहिदीन लड़ेंगे, ये अल्लाह के कुरान को मानने वाले, एक हाथ में अल्लाह का कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर निकलने वाले, अल्लाह को सुपर ताकत समझने वाले लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह अजीज, ये आने वाले 3 और 4 महीने ये अमरीका का कब्रिस्तान अफगानिस्तान है, ये यहां से जिंदा लौटकर अब नहीं जाएंगे। इसलिए वो मरने और भागने से पहले इस जंग को पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। आज ये शहादतों का सफर, ये कुर्बानियों का सफर हमें सब्र से बर्दाश्त करना होगा, लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि पाकिस्तान की सफों में छुपे हुए रेवेंट डेवर्स हमें तलाश करने होंगे। जनरल मुशर्रफ की आमकाना पॉलिसियों ने पाकिस्तान के हसास इदारों तक जो CIA के दरवाजे खोल दिए हैं और राह और मोसाद हमारे हसास मकामात तक घुस चुकी है, जिसका नतीजा है GHQ के ऊपर हमला हुआ, जिसका नतीजा है कि नेवी के अहम बेस पर हमला हुआ, तो हमें अपने आस्तीनों के इंसाफों को ढूंढना होगा और अल्लाह पे भरोसा करके, जिहाद का रास्ता इख्तियार करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाना होगा। ये पूरी कौम अपनी फौज और अपने जर्नेलों के साथ है, लेकिन इन जर्नेलों ने, जिन्होंने पाकिस्तानी माओं का दूध पिया है और उसके बाद मैकडॉनल्ड और अमेरिका के डॉलर और अमेरिका के बर्गर खाकर जो इनके अंदर जमीर फरोशी का कल्चर आ गया है, इनको गैरत करना चाहिए। पाकिस्तानी माओं के पिए हुए दूध की लाज रखनी चाहिए, मुस्तली का रास्ता छोड़कर जुरत का रास्ता अपनाना चाहिए। ये खौफ और मायूसी साजिश के तहत फैलाई गई है, ना हम खौफ ज़दा हैं, ना हम मायूस हैं। दिल रस्ता है तेरा हरीफाना कच कच से, जिंदगी मौत है को देती है जब ज़ौके खराश, पलटना झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का यह है एक बहाना। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है, हम ISI के साथ हैं, हम जर्नेलों के साथ हैं, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर बटने कट मरने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा, अब्दुल आबाद कायम रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। ये अल्लाह का इनाम है, इसकी बेहरमती ना अल्लाह चाहता है, ना अल्लाह पे ईमान लाने वाले चाहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये राणा मोहम्मद अफजल नायब अमीर जमात इस्लामी, मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर चौधरी खालिद को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब और मुजफ्फरगढ़ की नौजवान टीम जो रॉयल टीवी को रिप्रेजेंट करती है, इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके बहुत सारे मसाइल को उजागर किया, लोगों को बोलने का मौका दिया,
तमाम मकातबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा किया और यही इसी को ही कौमी यकजहती कहते हैं कि खा वो आदमी किसी भी पार्टी, किसी भी मज़हब, किसी भी नस्ल से तल्लक रखता हो और वो पाकिस्तानी है तो वो कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुआ। ये रॉयल टीवी की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पे मैं मियां अब्दुलगफूर भट्टू साहब को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत सारी बातें हुई। हमारी बहन हुमा नवाब ने कहा कि कौमी यकजहती क्या होती है, औरतों को हकूक नहीं दिया जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इस्लाम वाहिद एक ऐसा मज़हब है जिसने औरतों को और बच्चों को हकूक दिए, बुज़ुर्गों को हकूक दिए। राने अफजल साहब की बात को इंडोस करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने तमाम दोस्तों से कि जब तक आप अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे नहीं चलेंगे तो यहाँ पे अमन कायम रखना, कायम होना बहुत मुश्किल बात है। दानिश्वरों का कौल है जिस रियासत में बुनियादी चीज़ें एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएं, जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें, तो उस जगह पे अमन कायम रखना नामुमकिन ही नहीं बल्कि बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम दूसरे लोगों पर तनकीद करने की बजाय अपने आप की इसलाह करें, तमाम पाकिस्तानी कौम मिल बैठे, अपने महल्ले, गलियों में, देहातों में, शहरों में आंखें खोल के रखें, जराइम पेशा लोगों की निशानदेही करते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांगे। बेहतर अमन कायम रखने के लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ को जहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक मरतबा फिर मैं रॉयल टीम की नौजवान दोस्तों का और मियां अब्दुलगफूर भट्टू साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में ये सेमिनार मुनक्कद कराया। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे डॉक्टर चौधरी खालिद। अब मैं आखिर में दावत देना चाहूँगा अपने मेहमान ज़ुबैर अहमद भट्टी तहरीक अवामी इनकलाब से कि वो आएँ और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में अपने आरा से हमें आगाह करें। नहमदहू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब, चेयरमैन रॉयल न्यूज़ चैनल, जो आज मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, और उनकी तमाम टीम का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे चंद लम्हे अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी। मेरे मोहतरम साथी, इस वक्त इलाकाई, मुल्की और बैनुल अक्वामी सूरत हाल आप तमाम साथियों के सामने है कि अमेरिका और उसका इत्तेहादी पाकिस्तान पर जिस अंदाज पर हमला आवर है और पाकिस्तान की सालमियत को जिस अंदाज में ख़तरा है, 9/11 के बाद जब पाकिस्तान का सारी दुनिया में मंजरनामा तब्दील हुआ कि वो दहशतगर्दी जो अमेरिका में एक ड्रामा रचाकर पेश की गई दुनिया के सामने और 3000 के करीब अमवलाक हुई, वो अमेरिका जिसे इस बात का डर था कि इस एक वकूए के पीछे कहीं ऐसा ना हो और बहुत सारे ऐसे वाकियात अमेरिका में नाजिल हों, उससे बचने के लिए उसने
9/11 के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, और जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो उस वक्त उसके अजाइम खुलकर सामने आ गए कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी। मेरे मोहतरम साथियों, आप समझते हैं कि अमेरिका के अंदर 3000 के करीब वहां पर अमलाक हुई, लेकिन 9/11 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर 35,000 मुजाहिदीन, 35,000 के करीब गयूर मुसलमानों को ज़िबह किया गया, कत्लेआम हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानियों को उठाकर अमेरिका के हवाले कर दिया गया और चंद डॉलरों के इवज। मेरे मोहतरम साथी, ये बातें वाज़े तौर पर आया हैं, आप बाखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान के गयूर मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ कर अमरीका के हवाले किया गया। पाकिस्तानी कौम की वो गयूर बेटियां आज अमरीकी जेलों में पड़ी हुई हैं, वो पाकिस्तान की इस उम्मत की वो पाक दामन बीबियां, पाकिस्तानी गयूर मुसलमान बेटियां अमरीका की सलाखों में आज भी किसी इंसाफ की मुंतजर हैं। लेकिन बड़े डिठाई से हमारे हुक्मरान ये एबटाबाद ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद कौम को ये खुशखबरी देते हैं कि जनाब हमारी ये अजीम फतह है, लेकिन उसके चंद घंटे बाद फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये वो हुक्मरान जिनकी मंजिल अयाशी है, जिनकी मंजिल इक्तदार है, वो कभी अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, वो कभी अवाम के दुख और दर्द में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मंशा, उनका मकसद सिर्फ महज इक्तदार हासिल करना है। आप तमाम भाई बाखूबी जानते हैं, आपके सामने पाकिस्तान के हालात हैं, आपके सामने इलाकों के हालात हैं। बड़े फख्र से आज हम कहते हैं कि लाहौर से चलने वाला ये काफिला आज मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर पहुंचा। तमाम रास्ते बट्टू साहब ने यह देखा होगा कि अपनी कहानी बयान करते होंगे कि लोग गुर्बत की जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग फाकों से मजबूर होकर सड़कों पर आ चुके हैं और इन फाकों ने इन्हें खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। आज अगर किसी गरीब की झोंपड़ी में हम झांकें, आज अगर किसी गरीब के घर पर हम झांकें, तो हमें एहसास होगा कि गरीब किस कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन हुक्मरानों के अगर महल्लात देखे जाए और हुक्मरानों की ऐशो इशरत वाली जिंदगी देखी जाए तो ऐसा पता चलता है कि ये किसी पाकिस्तान के सरबरा नहीं, बल्कि ये शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरान हैं। मेरे मोहतरम साथी, आप ये समझते हैं कि अमेरिका को शिकस्त देने के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर यहां के वडेरों और जागीरदारों का मुहासबा होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर यहां के सरदारों, वडेरों, दस्तागीर और बत्ताखोर जालिमों और इन जालिमों और जागीरदारों का मुकाबला होगा तो अमेरिका कमजोर होगा। जब तक हम पाकिस्तान के सरदारी निजाम को खत्म नहीं करते, जागीरदारी निजाम को खत्म नहीं करते, ये अमेरिकी एजेंट का किरदार अदा करते रहेंगे, ये अमेरिकी एजेंट अमेरिका की हिमायत करते रहेंगे। अगर अमेरिका को कमजोर करना है तो सबसे पहले पाकिस्तानी सियासतदानों को कमजोर करना होगा, सबसे पहले यहां के सरदारों और जागीरदारों को कमजोर करना होगा। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि अगर डेरा गाजी खान में मरहूम फारूक लिगारी साहब अमरीकी एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे तो डेरा गाजी खान के अंदर भी मुस्तफा खर जैसे लोग अमरीकी एजेंट का किरदार अदा करते रहे हैं और जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर इन लोगों ने इक्तदार के मजे लूटे, अगर इन लोगों ने इक्तदार के अंदर आकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया तो अवाम ने इनसे मुंह मोड़ लिया तो वो बात दूर नहीं जब इनकी हैसियत उन फूल की पत्तियों की तरह होगी जिन्हें लोग अपने पांव तले रोन डालेंगे, और इनकी मिसाल उन फूल के पत्तियों की तरह होगी कि जब वो मुरझा जाएं तो जमीन पर पड़ी होती हैं और एक खाक रोब उठाकर उन्हें कूड़े के ढेर में डाल देता है और फिर उनकी हैसियत कोड़ियों के बराबर भी नहीं मार्केट में रहती। मेरे मोहतरम भाई, आप तमाम साथी
हालात से बाखूबी आगाह हैं। मेरी आज दस्त बदस्त ये अपील है कि जिस अंदाज में रॉयल न्यूज ने, रॉयल चैनल ने करिया करिया बस्ती बस्ती अपना पैगाम पहुंचाया, इन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद की, इन जागीरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की, सरमायादारों के खिलाफ मैदान में निकले, अमेरिका को ललकारा, आज ऐसी इखलाकी जुलत किसी जमात में भी नहीं, किसी सियासतदान में भी मौजूद नहीं। बहुत सियासतदान, बहुत जमातें जो पाकिस्तान के अंदर पहली नंबर की जमात की दावेदार बनती हैं, दूसरी नंबर की जमात की दावेदार बनती हैं, लेकिन उनका कोई किरदार नहीं। मेरे भाई, हम बड़ी जुर्रत के साथ और हिम्मत के साथ इंशाल्लाह इस रॉयल चैनल न्यूज़ के चेयरमैन साहब मियां अब्दुल गफूर वटू साहब के शाना बशाना साथ हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वटू साहब ने हमें जिस दहलीज पर भी बुलाया, हमें जिस चौक और सड़क पर भी बुलाया, हम और हमारे साथी इंशाल्लाह इनका शाना बशाना ठहरेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। वाखुरु दावाना। जुबैर अहमद भट्टी, तहरीक अवामी इनकलाब के बाद मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर वट्टू से कि वो आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया के साथ पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ की अपील करूंगा। क्या है, मैं आपको जरा कुछ पेश करना चाहता हूँ। चल रहे भाई, मैं अब्दुल गफूर वट्टू की वजह से चाहतों के हर तरफ फैले हैं रंग, चाहतों के हर तरफ फैले हैं रंग, जिस तरफ जाए नज़र उल्फत के फूल, आने वालों की मोहब्बत देखिए, फिक्र के लाए हैं कैसे कैसे फूल। और ये एक अमरीका का नज़र, खून यहाँ उसने खून बहाया उसने पानी की तरह, खून का प्यासा बनाया कौम को, पी रहे हैं आजकल सूप, पी रहे हैं आजकल सब खून दिल, ऐसे रस्ते पे बुलाया कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तमाम शुरका का नहायत ममनून हूँ कि उन्होंने इस तारीख को आगे बढ़ाने में नेक मशवरे दिए और हम उस पर चलकर इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। मैं इसमें दो चार बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हमने बातों में नहीं अमल में उतरना है। अगर सिर्फ बातें करनी है तो फिर इस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। पहला तो हम ये कहते हैं कि 14 अगस्त को, आने वाली 14 अगस्त को हम जीटी रोड पर इतनी बड़ी जंजीर बनाना चाहते हैं जो कराची से लेकर खैबर तक हो। आप लोग मेहरबानी फरमाइए, शफकत फरमाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हमने वहाँ सिर्फ तराना पढ़ना है पाकिस्तान का, झंडा बुलंद करना है पाकिस्तान का। किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, किसी चैनल का झंडा नहीं होगा। तो आप मेहरबानी फरमाइए कि 14 अगस्त को हम यहाँ कमेटियाँ तश्कील देंगे, वो जौक दर जौक कराची से लेकर खैबर तक भरपूर अंदाज में हमारी लाइन लगी हो पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हुक्मरान तो जो करना है करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमें अब जिंदा रहना है, हमने इस पाकिस्तान को झंडा बुलंद करना है। तो इसके लिए हम भी सोचो विचार करें और हम भी फिक्र करें कि हम अपनी कौम को किस तरह आगे ले जा सकते हैं, कौम को किस तरह शऊर दे सकते हैं कि वो अच्छे हुक्मरान लाए, और कौम को किस तरह शऊर दे सकते हैं कि वो कौम की बुलंदी के लिए वो फिक्र पैदा करें, वो अमल पैदा करें कि जिससे हम आगे बढ़ सकें। मैं एक मिसाल देता हूं कि मुझे अभी पता चला है कि यहाँ कुछ सनतकार लोग ने कोशिश की कि बिजली खुद पैदा करके मुजफ्फरगढ़ को या उसके आला अब इर्द गिर्द के लोगों को दें, तो हुकूमत ने कहा कि तुम कौन हो ऐसा करने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम एक कुव्वत होंगे, एक ताकत होंगे, रॉयल ने प्रैक्टिकली ये बात शुरू कर दी है, खा हमें वो रोकें जो मर्जी करें, रॉयल बरादरी बनाने के सिलसिले में हमने कार्ड इशू करने लोगों को शुरू की है जो हम लाखों की तादाद में मेंबरशिप बनाना चाहते हैं। और इसी तरह हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे, सियासतदानों से भी गुजारिश करेंगे, आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि आओ हम मसाइल खुद अपने हल करें, आओ बिजली का मसला हम खुद हल करें,
और गैस का मसला हम खुद हल करें और रोजगार का मसला हम खुद हल करें। हम हाथ को इस तरह ले जाएं, हाथ को इस तरह वाले हाथ को ख़त्म कर दें। और इंशाल्लाह आप ये ना समझिए कि जब इस्लाम का हाथ इस तरह था तो फतह उसकी किस्मत बन चुका था, कामयाबी उसकी किस्मत बन चुका था। उसमें ये नहीं थे कि सारे को सैगल और दाऊद रहते थे, उसमें ये नहीं थे कि सारे मियाँ साहब और जरदारी रहते थे, नहीं, गुरबा थे लेकिन उनमें गैरत थी, गुरबा थे लेकिन उनमें मुसलमानियत थी, गुरबा थे लेकिन उनमें खिलाफत का दावा था कि हमारा हाथ इस तरह करने वाला नहीं है, इस तरह करने वाला है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। आप बाज़मीर ज़िंदगी गुजारेंगे, बाहिम्मत ज़िंदगी गुजारेंगे, ये इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी, हुक्मरानी तौर पर तय कर लीजिए कि हमने 2-3 साल के अंदर ये हालात पैदा करने हैं। अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपके मसाइल भी हल होंगे। मैं ये बात हुकूमत से कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, हम जब सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर आने से भी हमारे साथ शैतान एक रोल अदा करता है कि हम एक जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, वो जिद्दोजहद और कोशिश जो है वो हमारी तामीर की तरफ जानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की तरफ जानी चाहिए। मैं ये बात नहीं करता कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को अजीब काम के लिए तैयार करने ले जा रहे थे तो आप सब लोग जानते कि शैतान ने क्या क्या वसवसे डाले थे रास्ते में, मुझे उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जब आपको जिद्दोजहद करते हैं तो उस जिद्दोजहद को सबोताज करने के लिए शैतानी कुबते आज तक यही हुआ है कि हमारा रास्ता छीन लिया, हमें मंजिल से खोटा कर दिया। और अब हमने जो जिद्दोजहद करनी है, जो कोशिश करनी है, तो रास्ते को बदलना नहीं, खोटे नहीं होने देना, और उन लोगों का ख्याल रखना है जो रास्ते को खोटा करते हैं। आप बताइए, हर जिद्दोजहद, हर हमारी कोशिश, हर हमारा इंकलाब नाकामी से मंसूब हुआ है। आर्मी आई है जिसने सत्यानाश किया है, तबाह किया है और खुद बदनाम हुए हैं। अब मैं आर्मी से भी ये दरख्वास्त करूंगा, खुदारा हम आपके साथी हैं, हम आपकी अजमत हैं, हम आपका पीछा करना चाहते हैं, बॉर्डर का तहफ़ कीजिए, अपनी अपनी ड्यूटी दीजिए, सदन अपनी ड्यूटी दीजिए, हम अपनी ड्यूटी दीजिए। जब हम अपनी अपनी ड्यूटी देंगे तो अल्लाह हमें कामयाब व कामरान करेगा। मैं इसी से एक गुजारिश एक और करता हूँ, मीडिया के रोल की बात करते हैं, मीडिया के दूसरे लोग तो हमारे पाबंद नहीं है ना, वो पाबंदी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रॉयल ने 3 साल 3.5 साल में सिर्फ और सिर्फ कौमी बात की है, कौम के लिए लड़ा है। बेशक पंजाब गवर्नमेंट उसके इश्तहार बंद कर दे, पिछली गवर्नमेंट बंद कर दे, ये गवर्नमेंट कर दे, बताओ हमने मियाँ साहब का क्या बिगाड़ा है? सबसे बड़ा दुश्मन ये मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट हमारी है और हम चल रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमने कभी गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन आज मुजफ्फरगढ़ में मैं गिला शिकवा कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान हमें रास्ता सबसे ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट रोक कर रही है हमारा, और पीपल्स पार्टी तो है ही, हम पे दावा करते हैं। यहाँ हम किस अदालत में जलसा कर रहे हैं? नवाब साहब की अदालत में। यहाँ कौन से लोग बैठे हैं? सब जमातों के लोग बैठे हैं। अगर हमने जमात बनानी होती तो आप लोगों को ना बुलाते, अगर हमने सियासत करनी होती तो आप लोगों को ना बुलाते, हम उन लोगों को बुलाते जिनका ताल्लुक आप लोगों से नहीं थे। हम सियासत नहीं करना चाहते, हम जमात नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक काम जरूर करना चाहते हैं, उसे फर्ज समझते हैं, अपना फर्ज अवलीन समझते हैं कि हम यहाँ के रहने वाली हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का तहफ़ करना हमारा बुनियादी फर्ज है और इस कोताही इसकी कभी कोताही नहीं करेंगे। और आप बताइए इन लोगों ने कौम की क्या खिदमत कर ली? कसाब को मानकर रायल वायदा दारा था जिसने शवाब दिए, इनके साथ खड़ा हुआ, कसाब हमारा नहीं है, अगर तुम ये गलती करोगे अमरीका के कहने पर तो तुम्हारा कोई बका नहीं है, बाकी चीज नहीं है। लेकिन आखिरी मरल तक हमने सेक्रेटरी से बयान दिलवा लिया, इनके सेक्रेटरी से हमने स्टेटमेंट दे दी कि मैंने गलत किया, कसाब हमारा नहीं है। लेकिन दूसरे दिन आपका अदारा खारजा गवर्नमेंट ये बात कहती है नहीं कसाब हमारा है, तो आज सजा भुगत रहे हो उस बात की, आज इतनी सजा भुगत रहे हो जिसका बदल कोई नहीं। लेकिन ये बताओ कराची का वाक्या करने वाला कौन है? रायल कहता है, दावे से कहता है ये इंडिया ने कराया है, ये अमेरिका ने कराया है, हैं? और तुम खामोश हो और तुम इतने बुजदिल हो, इतने कमजोर हो, तुम्हें हक हासिल नहीं हमारी क्यादत करने का। अगर तुम जरूरतमंद बाहिम्मत होकर हमारी क्यादत करो तो हम आपके साथ हैं, हर कीमत पे साथ हैं। लेकिन ये सुन लो,
अगर तुमने इसी बुजदिली का गुजारा किया, इसी तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हारी कुर्सी टूट जाएगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अमेरिका की वफादारी करने में ज़ियार ने क्या ले लिया, अमेरिका की वफादारी करने में अय्यूब खान ने क्या ले लिया, अमेरिका की वफादारी करने में मुशर्रफ ने क्या ले लिया। तुम भी उसी हशर को पहुंचोगे। आओ कौम के साथ खड़े हो, आओ कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो, आओ कौम हमारे तुम्हारे साथ है। कौम तुम्हारे साथ होगी। बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करो हुक्मरानों, मुल्क में अमन अमान कायम करो हुक्मरानों, दुश्मन को जानो हुक्मरानों, दुश्मन से आंख कबूतर वाली आंख मत फेरो, दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर जरूरतमंदी के साथ बात करो। ऐ इंडिया वालों, ऐ हिंदुस्तानियों, ऐ इसराइलों, हमारे मुल्क से दफा हो जाओ। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। 20,000 अमेरिकन एजेंट हमारे मुल्क में फैल चुके हैं, और वो क्या कहलाते हैं अपने आप को, वो एम्बेसी के नुमाइंदे कहलाते हैं। हजरात, इन लोगों को निकाल दीजिए एम्बेसी के, उतने ही लोग हों जितनी एम्बेसी की जरूरत है, और अगर नहीं निकालोगे तो अमेरिका वाला सुन लो, फिर इनकी जानें भी महफूज नहीं रहेंगी, इन्हें भागना पड़ेगा यहां। एम्बेसी को एम्बेसी समझ के काम किया जाए। इसको वो क्या थी जो आई थी इंडिया के वक्त, नहीं इंडिया के वक्त जिसने आकर कब्जा किया था, हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ना बुलाइए इसको। हम ब्लैक वाटर को भी जानते हैं, लेकिन अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, हम कबूतर वाली आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, तो बचत नहीं है। जाएं जो मर्जी कर रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक कुराल जिंदा है, इस आवाज को बुलंद करेगा, और उसके बाद आप लोग जाने, आपका काम जाने। थैंक यू। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اے تیرے رسول کے نام پہ اثر کیا گیا ہے۔ اے اللہ، اس میں تمہیں ہمیں نظر تیرا نظام نافذ کرنے کی ہمت دے۔ اے اللہ، اس کو تحفظ دے۔ اے اللہ، اس کو دنیا میں سب سے بڑا ملک بنا، سازشوں سے جان چھڑا۔ اے اللہ، تو ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔